बुधवार को हरियाणा बीजेपी के विधायक दल की बैठक में नायब सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल के नेता के लिए अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह की भी दावेदारी के कयास लगाए जा रहे थे। बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में हरियाणा बीजेपी विधायकों की बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को पर्यवेक्षक बनाया गया था। हमारी डबल इंजन की सरकार नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है और इतना बड़ा विश्वास जो हरियाणा की जनता ने आज तीसरी बार कंटिन्यूटी के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया है, ये विश्वास ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का विश्वास है, ये नरेंद्र मोदी जी की ही गारंटी है जिसके ऊपर आज हरियाणा ने विश्वास किया है और ये प्रण हरियाणा के लोगों ने लिया है कि हम मोदी जी के उस संकल्प को 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है उसको आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे। विधायक दल की बैठक पंचकुला में बीजेपी के पंचकमल कार्यालय में हुई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर पर्यवेक्षक मौजूद थे। उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद थे। बैठक में एक वरिष्ठ विधायक ने प्रस्तावक के तौर पर विधायक दल के नेता के नाम पर प्रस्ताव रखा, जिसके बाद नायब सैनी को दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी देने का फैसला लिया गया।